प्यारे बच्चों आइए चलते हैं हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने आवर्धन के बारे में पढ़ा था कि आवर्धन क्या होता है, आवर्धन सूत्र किसको कहते हैं, उस पर कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी प्यारे बच्चों बनाए थे। चलिए उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो उसके आगे टॉपिक्स दिया जाए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या है तो पहले इसको समझ लिया जाए फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों कि अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या गमन करती है तब उसको बोला जाता है प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। अब एक आता है प्रकाश का परावर्तन जो हम लोग अभी इसके पहले पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों परावर्तन का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु है उस पे कोई टॉर्च जलाया जाए, प्रकाश दिया जाए तो टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस आ जाता है। तो यह प्रक्रिया, यह क्रिया परावर्तन कहलाता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अपवर्तन में होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसको कहा जाता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको कहा जाता है अपवर्तन। जैसे मान लिया कि अभी वायु है और ये ग्लास है या फिर कोई मटेरियल है, चाहे पानी ही क्यों ना है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वो कहलाता है। जैसे मान लिया कि ये ग्लास है और इस ग्लास के इधर से लाइट हम मार रहे हैं तो ये लाइट पार होगा और जब ये पार होगा तो किससे होकर पार होगा, ग्लास से होकर पार होगा। और ग्लास की मोटाई देख रहे हैं, ये ग्लास की मोटाई है, तो इससे अगर पार होगा तो ये कहीं ना कहीं माध्यम चेंज होगा क्योंकि अभी जो लाइट है वो हवा में है और फिर इस ग्लास से पार होगा तो दूसरे माध्यम चेंज होगा। तो जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में अगर प्रकाश की किरणें जाती है तब उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए इसके नीचे पहले एरो देकर, फर्स्ट एरो देकर कुछ लिखेंगे क्या होता है। लिखा जाए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हो तो, गमन करती हो तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्यारे बच्चों उसके नीचे सेकेंड रूल लिया जाए, लिखा जाए प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो माध्यम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो माध्यम हैं। पहला का नाम है प्यारे बच्चों सघन माध्यम, सघन माध्यम, और दूसरा का नाम होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो प्यारे बच्चों अगर कोई पूछेगा कि अपवर्तन तो दो माध्यम में होता है लेकिन दोनों माध्यम का नाम क्या क्या है, तो एक का नाम होता है सघन माध्यम और एक का नाम होता है विरल माध्यम। अब सघन माध्यम किसको कहते हैं, विरल माध्यम किसको कहते हैं, तो जरा समझिए। सघन जो बना है वो घनी आबादी, यानी कि कोई एक एसएसटी में आप लोग पढ़ते होंगे कि घनी आबादी वाला क्षेत्र, घनी आबादी वाला क्षेत्र उसको कहते हैं जो उतना ही एरिया में बहुत सारे लोग रहते हों, इसको हम लोग बोल देते हैं घनी आबादी वाला क्षेत्र। लेकिन अगर एरिया उतना ही हो लेकिन कहीं जहीं अगर जनसंख्या मिले तब हम इसको बोलते हैं विरल, यानी कि जैसे बड़े बड़े महानगर मुंबई कोलकाता दिल्ली ये सब क्या है, घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या वास करती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जैसे गांव देहात में हम लोगों की जनसंख्या कम रहती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि विरल है। यानी कि प्यारे बच्चों जहां पे प्रकाश की किरणों को गमन करने में अधिक मुश्किल का सामना करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम,
यानी कि प्रकाश की किरणों को जिस माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है उसमें अगर ज्यादा कठिनाई होगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तब हम उसको बोलते हैं सघन माध्यम। और प्रकाश की किरणों को जिस माध्यम में आसानी से प्रवेश कर जाता है, गमन कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों कौन सा, विरल माध्यम। चलिए जरा एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हवा और दूसरा है पानी। प्यारे बच्चों अब इस दोनों में किसको बोला जाएगा सघन और किसको बोला जाएगा विरल, तो आप हवा और पानी में देख पाएंगे कि किसमें प्रॉब्लम होगा प्रकाश को गमन करने में, तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा पानी में, क्योंकि हवा में तो फ्रीली होता है, आप आसानी से हवा में हाथ फेर सकते हैं, लेकिन पानी में आसानी से हाथ नहीं फेर सकते हैं, क्योंकि वहां पे अंतरान्विक बल सबसे ज्यादा होता है, यानी कि हवा से ज्यादा होता है। इसलिए प्यारे बच्चों हवा और पानी में सबसे ज्यादा घना आबादी किसका होगा, तो पानी को, तो हम बोलेंगे कि पानी जो है सघन माध्यम है और हवा जो है विरल माध्यम है। अच्छा एक और हम लोग जैसे दे देते हैं दूसरा, पानी और शीशा। प्यारे बच्चों पानी और शीशा में कौन सघन है और कौन विरल है। सघन किसको बोलते हैं, जहां पे प्रकाश को गमन करने में ज्यादा प्रॉब्लम होता हो, ज्यादा कठिनाई होता हो, तो आप सोचिए एक तरफ पानी है एक तरफ शीशा है, पानी लिक्विड फॉर्म में है, शीशा ठोस फॉर्म में है, तो शीशा में प्रकाश की किरणों को ज्यादा प्रॉब्लम होगा जाने में एक जगह से दूसरे जगह, तो हम इसको बोलेंगे सघन और इसको बोल देंगे प्यारे बच्चों विरल। जरा एक और एग्जांपल लेते हैं हवा और पानी। अब हवा और पानी है, सॉरी हवा और शीशा ले लेते हैं, वो तो पानी ले लिए हैं, हवा और शीशा। तो हवा और शीशा में देखा जाए तो कौन विरल होगा कौन सघन होगा, तो हवा और शीशा के अपेक्षा शीशा में किसी भी प्रकाश किरण को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, मतलब कि शीशा जो है सघन माध्यम है और हवा जो है विरल माध्यम है। प्यारे बच्चों अगर हमसे कोई पूछा जाएगा कि क्या पानी हमेशा सघन होता है, तो प्यारे बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, दिया गया सिचुएशन से पता चलेगा कि पानी किस अवस्था में होगा, क्योंकि दो अगर हम बोल देंगे कि आप पानी बताओ सघन है कि विरल है, तो आप बोलेंगे कि सर ऐसे डिसाइड नहीं किया जाता है, आप दो गो चीज बताइए, तब हम उसमें से चुनेंगे कि इस केस में पानी सघन होगा कि विरल होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हवा पानी में देख रहे हैं पानी सघन हो जा रहा है, पानी शीशा में पानी विरल माध्यम हो जा रहा है। तो सघन और विरल माध्यम का एक ही डेफिनेशन है कि जहां पे कम जब प्रकाश की किरणों को उस माध्यम में आसानी से प्रवेश कर जाए तो हम उसको विरल, और जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो तो सघन। तो सघन और विरल का एग्जाम्पल भी दिखा दीजिएगा कि कौन विरल है कौन सघन है, ये दोनों केस में, यानी कि दो माध्यम दिया रहेगा तो दोनों में चुनना है कि कौन सघन है और कौन विरल है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सघन किसको कहेंगे विरल किसको कहते हैं। तो टॉपिक देंगे सघन माध्यम, लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का वह माध्यम, प्रकाश के अपवर्तन का वह माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणों को गमन करने में, प्रकाश की किरणों को गमन करने में अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई होती है, अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई होती है, कौमा सघन माध्यम कहलाता है, सघन माध्यम कहलाता है। अब लिखेंगे टॉपिक विरल माध्यम के बारे में, ये छोटा छोटा पॉइंट था, हालांकि इसमें कोई स्पेशल विरल माध्यम का एग्जाम्पल नहीं हो सकता प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो चीज दिया रहेगा तभी डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पे कौन सघन और कौन विरल होगा। तो विरल में लिखा जाए प्रकाश के अपवर्तन का वह माध्यम, प्रकाश के अपवर्तन का वह माध्यम कौमा जिसमें प्रकाश की किरण अपेक्षाकृत, जिसमें प्रकाश की किरण अपेक्षाकृत
प्रकाश की किरण अपेक्षाकृत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकती है। अपेक्षाकृत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकती है कोमा विरल माध्यम कहलाता है, कोमा विरल माध्यम कहलाता है। चलिए अब इसके बाद एक सबसे इंपोर्टेंट चीज लिखेंगे, वो वीवीआई पॉइंट है जानने के लिए, तो इसको हम लोग नोट में लिखेंगे, NOTE नोट में दो को बात इंपोर्टेंट है, पहला और दूसरा। पहला में लिखा जाए, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तो, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। और दूसरा में लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हो तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। चलिए तो अब इन बातों को समझने के लिए, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्यारे बच्चों, देखेंगे। बोला गया कि अगर विरल से सघन माध्यम की ओर जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर सघन से विरल की ओर अगर कोई किरण जाती है तो अभिलंब से हमेशा कैसे जाएगी, अभिलंब से दूर मुड़ेगी। अब इन चीजों को समझना है अच्छे से। सबसे पहले इसको समझने के लिए, ये हम लोग लिखे थे वही बात को हम समझाना चाह रहे हैं, इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों आप हम लोग फिगर बनाने वाले हैं। जरा फिगर को ध्यान से समझिएगा। हम एक माध्यम शीशा लेने वाले हैं, शीशा कांच, ठीक है। अब कांच कितना भी मोटा हो सकता है, अब अगर मेरा चश्मे का देखा जाए शीशा, देख पा रहे होंगे ये कितना मोटा है, ये इतना मोटा है, ये मोटाई देख रहे हैं, ये शीशे का मोटा इतना मोटा भी हो सकता है, इतना मोटा भी हो सकता है, इतना मोटा भी हो सकता है। जो हम लोग खिड़कियों में लगाते हैं, जो बड़े बड़े जगहों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, गेट में, खिड़की में वगैरह में, तो वहां पे मोटा मोटा शीशा यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों हम अभी मान रहे हैं कि एक शीशा या कांच लिया जा रहा है, अब कांच का मोटाई इतना हम मान रहे हैं कि ये कांच है, ये क्या है प्यारे बच्चों, कांच, ये एक कांच है, कांच का मतलब शीशा है, और शीशा के ऊपर भी हवा है और कांच के नीचे भी हवा है। प्यारे बच्चों हवा और कांच में कौन सघन होगा, कौन विरल होगा, तो ये वाला पार्ट सघन होगा और ये वाला हवा विरल होगा। फिर से देखा जाए तो इस कांच और हवा में, कांच सघन तो हवा क्या, विरल। अब तो पता चल गया कि कौन कौन सा माध्यम है, बीच में कांच है, ऊपर विरल, बीच में सघन, फिर नीचे विरल माध्यम, यानी कि ऊपर भी विरल माध्यम है, फिर सघन है, फिर विरल माध्यम है। प्यारे बच्चों जब हम लोग किसी टॉर्च के लाइट को इस पे जलाएंगे, ये टॉर्च के लाइट है, और टॉर्च के लाइट को जब हम लोग कांच पे फोकस करेंगे, कांच पे मारेंगे, तब इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। प्यारे बच्चों अब कांच के जिस बिंदु पर आप यहां पे टॉर्च का फोकस मारिएगा, वहां पे एक हम लोग लंब ड्रॉ करते हैं, और इसी को प्यारे बच्चे बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है। और जिस पॉइंट पे आपका टॉर्च का लाइट यहां पे मिलता है, फॉक्स जाके वहां पे टकराता है,
इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोला जाता है। प्यारे बच्चों अगर मान लिया कि यहां कांच नहीं होता तो ये लाइट सीधा ऐसे चले जाता अपने रास्ते से, कोई भटकता नहीं, वो सीधे चले जाता। लेकिन प्यारे बच्चों आप यहां से देखिए कि यहां पे चूंकि कांच है का मतलब सघन माध्यम है, तो विरल से जब सघन आता है तो हम लिखे क्या कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी कि अपने रास्ते से न जाकर यहां थोड़ा सा मुड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये चूंकि अभिलंब है ना, तो अभी ये जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन हो क्या रहा है, चूंकि विरल से सघन जा रहा है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा तो जाकर यहां स्ट्राइक करेगा, यानी कि दूसरे छोर पे स्ट्राइक किया वो किरण। अब फिर से जहां स्ट्राइक किया प्यारे बच्चों, तो यहां पे भी एक अभिलंब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अभिलंब हो गया एक और अभिलंब इस छोर के लिए। प्यारे बच्चों अगर मान लिया कि यहां पे शीशा का अनइंड नहीं होता, शीशा ही होता, यहां तक भी शीशा होता, तब ये अपने रास्ते से चलते रहता, अपने रास्ते पे चलते रहता। लेकिन प्यारे बच्चों हम फिर सीखे कि सघन माध्यम से जैसे विरल माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब से और दूर भाग जाता है, मतलब कि ये अपने रास्ते पर नहीं जाएगा, अब थोड़ा सा क्या होगा तो अपना रास्ता से बिछड़ जाएगा और अभिलंब से दूर चला जाएगा। ये अभिलंब है इसके लिए, नीचे वाले के लिए अभिलंब है। अब ये नीचे वाला अभिलंब से दूर जाएगा कौन? प्रकाश की किरण। तो प्यारे बच्चों ये हम लोगों का अभी इस तरीके का फिगर बन जाता है। अब आप देखिएगा तो यहां पे आपतित किरण हुआ और यहां पे दूसरा माध्यम चेंज हो गया, तब हम इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में इसको बोला जाता है आई। आई का मतलब प्यारे बच्चों होता है आपतन कोण। देखिए आपतित किरण और आपतन कोण में अंतर है, क्योंकि ये दोनों के बीच में बना गया कोण है उसको आई से सूचित करते हैं, और फिर अपवर्तित के बाद अभिलंब से जो कोण बनता है इसको आर से सूचित करते हैं, और आर का मतलब होता है अपवर्तित कोण। अपवर्तित कोण, देखिए किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण, लेकिन कोण को अपवर्तित कोण बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर बात आप समझ रहे होंगे तो यही है प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है। अब ये प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग यही सीखे कि आपतित किरण जो है विरल से अगर सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल जाती है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। और रियलिटी अगर बात करें तो मेरा ये मेन किरण था जो माध्यम के चेंज होने से अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, दिशा थोड़ा सा चेंज किए। प्यारे बच्चों ये इतना ज्यादा फास्ट होता है कि हम लोग इस चश्मे से, खिड़की में लगा हुआ शीशे से ऐसा एज्यूम नहीं कर पाते हैं, ऐसा देख नहीं पाते हैं। ये क्रिया एक सेकेंड का हजारवे हिस्सा में होता है, जो हम लोग को पलक झपकते ही नहीं पता चलेगा कि ऐसा भी होता है। ये एक साइंस का थ्योरी है, हम लोग को जानना जरूरी है कि अगर कोई भी माध्यम में प्रकाश को अगर हम लोग पास कराते हैं तो अपने रास्ते से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। थोड़ा सा विचलित क्यों ना हो, लेकिन होता है। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोगों को जनरल लाइफ में कभी ऐसा पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि पहला तो ये कि प्रकाश का चाल 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 300,000 किलोमीटर यानी कि एक सेकेंड में प्रकाश कितना जाता है? 300,000 किलोमीटर जाता है एक सेकेंड में। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों को कहां से पता चलेगा। अब इसको जो खोजे होंगे, इतना चीजों को गहन अध्ययन किया होगा वैज्ञानिकों ने, तो इसको थ्योरी के रूप में हमें पढ़ने के लिए दे दिया, किताब में पढ़ने को मिलता है ताकि हम लोगों को नॉलेज हो सके कि अपवर्तन में ऐसा भी कुछ होता है। तो प्यारे बच्चों इस फिगर को अच्छे ढंग से आप बना लीजिए ताकि बिल्कुल आप समझ पाए कि कौन कौन सा किरण कहां पे मुड़ा। और फिलहाल
इसी अपवर्तन का दो नियम है। जैसे परावर्तन में प्यारे बच्चों दो नियम हम लोग पढ़ते थे, अब अपवर्तन में भी दो नियम पढ़ने के लिए मिलता है। कौन कौन सा नियम? तो चलिए अब टॉपिक बनाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, उसके नीचे आरोप देंगे लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला पहला आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा लिखेंगे दूसरा नियम आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तित कोण की जया का अनुपात, आपतित कोण की जया तथा अपवर्तित कोण की जया, जया कैसे लिखेंगे आधा ज और पूरा या, जया का अनुपात, का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है। चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन के भी प्यारे बच्चों दो नियम है। कौन कौन सा नियम है? तो पहला आपतित किरण, क्योंकि टॉर्च के लाइट को हम लोग जलाए थे तो वो आपतित किरण हुआ, फिर अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों के तीनों कहां है? एक ही तल में है, एक ही फिगर में है। देखिए आपतित किरण और यहां से दूसरा माध्यम चेंज हो गया तो अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया सीधा अभिलंब ब्लू वाला लाइन तीनों कहां है? एक ही तल में है। तो ये हुआ आपका पहला नियम। और दूसरा नियम ये बोल रहा है प्यारे बच्चों, सबसे पहले कैट का मतलब होता है बिल्ली, यानी कैट हुआ इंग्लिश और उसका हिंदी हो गया बिल्ली। वैसे ही प्यारे बच्चों जया एक हिंदी वर्ड है, उसको अंग्रेजी में साइन बोलते हैं, एस आई एन, साइन माने जया। ठीक है, अब बोला गया कि आपतन कोण की जया, तो आपतन कोण की जया का मतलब क्या? साइन हो गया जया और किसका, तो आपतन कोण माने कि आई का, और अपवर्तित कोण की जया, तो अपवर्तित कोण क्या है? आर, और इसका जया लगाना है तो साइन आर। देखिए इसको पढ़ेंगे साइन आई बटा साइन आर, साइन आई का मतलब हुआ अपवर्तित, सॉरी आपतित कोण का जया, और ये हुआ आर, आर माने अपवर्तित कोण, तो अपवर्तित कोण की जया का अनुपात, अनुपात माने भागा क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। तो इस बात को आप अर्थार्थ में करके दूसरा वाला जो नियम लिखे उसके नीचे लिख दीजिए, क्योंकि बात यही हुआ कि आई का जया यानी आपतित कोण की जया अपवर्तित कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, दो चार आठ दस। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पढ़े कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियोज में आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, धन्यवाद।